वेलकम टू माई चैनल फ्लेवर्स बाय सुश। फ्रेंड्स, आज की हमारी ब्रेकफास्ट रेसिपी वेट लॉस फ्रेंडली है। इसमें आपको हाई प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन सब प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। ये रेसिपी है हरी मटर और पनीर स्टर पराठे की। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा 1 कप, और पनीर लिया है 50 ग्राम, इसको क्रम्बल कर लेंगे। हरी मटर है और थोड़े से कटे हुए प्याज और अदरक और हरी मिर्च। इसके लिए सबसे पहले हम डो बना लेंगे। लेंगे गेहूं का आटा, आधा छोटी चम्मच नमक और चौथाई चम्मच अजवाइन। और चूंकि हम वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर घी या तेल कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिंपली इसको पानी से गूंथ लेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे सॉफ्ट डो, जिससे स्टफिंग भरना आसान हो जाए। पराठे का डो तैयार हो गया, इसको ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए। स्टफिंग बनाने के लिए हमने एक पैन चढ़ा दिया है, पैन गर्म हो गया है। डाल देंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, डाल देंगे 1/4 टीस्पून जीरा। डालेंगे हरी मिर्च, ग्रेटेड जिंजर और प्याज। इसको भी हल्का सा हम सॉटे करेंगे, बहुत लाल नहीं करना है। और चूंकि हम यहाँ पर हरी मटर यूज कर रहे हैं, इसलिए डाल देंगे 2 चुटकी हींग। प्याज देखिए हल्का गुलाबी होने लगा है, और हम डाल देंगे यहाँ पर मटर। और साथ ही डाल देंगे हम स्वादानुसार नमक, की आधा छोटी चम्मच से भी कम ही है। और मटर को गलाना है, इसलिए हम डाल देंगे इसमें 1/4 कप पानी, और गलने तक ढक के पकाएंगे। देखिए मटर हमारी गल गई है, तो अब इसमें मिक्स कर देंगे ग्रेटेड पनीर। इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से मसाले, 2 चुटकी हल्दी केवल कलर के लिए, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ जीरा और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1 चुटकी कसूरी मेथी, थोड़ा सा चाट मसाला, वो भी 1/4 टीस्पून ही लगभग। अब इसको इस तरीके से हल्का हल्का मैश करते हुए भून लेंगे 2 मिनट लगभग। यहाँ पर देखिए मटर भी हमारी हल्की हल्की मैश हो गई, बिल्कुल पीसना इसको नहीं है, हल्का दरदरा ही रखना है। और ये स्टफिंग मेरी तैयार हो गई है। नमक मिर्च तो अपने हिसाब से आप टेस्ट कर लीजिए। डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और बस अब इसको ठंडा करेंगे और फिर पराठों में भरेंगे। अब हम पराठा बनाने के लिए एक बड़ा सा पेड़ा काटेंगे, और देखिए स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भरेंगे, हल्का इसको मोटा ही रखेंगे पराठे को बेलते समय। वो इसको इस तरीके से सील कर देंगे। बहुत हल्के हाथ से इसको बेलेंगे। पराठा देखिए तैयार हो गया है। इसको देखिए इस तरीके से हल्का मोटा ही रखा है हमने, और तवा भी इधर हमारा गर्म हो गया है। इस पराठे को हमको धीमी आंच में ही सेकना है, क्योंकि इसको काफी मोटा बनाया है। आप अगर बिल्कुल भी घी ना खाना चाहें तो आप ना लगाएं, लेकिन मैं यहाँ पर हल्का सा घी लगाऊंगी। आप घी या बटर या ऑयल जो आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। देखिए पराठे को अगर धीमी आंच पे सेका जाए तो आप बहुत कम घी या ऑयल लगा करके भी इसको क्रिस्पी और करार कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है,
और बढ़िया सा ही क्रिस्पी बन गया है। ऐसा ही दूसरा पराठा भी बना लेंगे। देखिए हमारा दूसरा पराठा भी सीख गया है, अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे हेल्दी और साथ ही बहुत ही टेस्टी स्टफ पराठे तैयार हो गए हैं। पराठे के साथ सर्व की है हमने हरी चटनी और दही। मेरे कहने से इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक अवश्य दें। फिर नेक्स्ट सैटरडे को मिलूंगी नई ब्रेकफास्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।